नमस्ते, मेरा नाम है प्रिंस कुमार। आपका स्वागत है गॉर्जियस होम ऑटोमेशन में। मैं आपके लिए लाया हूँ दो स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो आपके लाइफ को और स्मार्ट बना देगा। और दिखाते हैं मैं क्या प्रोडक्ट है हमारा और इसका पूरा रिव्यू आपको हम बताते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। चलिए, आपको रिले मॉड्यूल के अंदर कोई स्पेशली वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये पुरानी जो ओल्ड अपने घर में जो पहले से ही वायरिंग हो रही है उसी के अंदर ये जो हमारे पुरानी ओल्ड वायरिंग हुई है इस बोर्ड के अंदर, मैंने इसको इसके अंदर आया जो हमारा रिले मॉड्यूल है उस रिले मॉड्यूल के अंदर फिट कर दिया है। रिले मॉड्यूल के अंदर आपको केवल ये इतना सा भाग बाहर निकला हुआ दिखेगा जो आपको क्लियरली वीडियो के अंदर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो भी एक बार आप जूम करके दिखा दो कितना भाग बाहर निकला हुआ है। ये बस इतना सा बाहर निकला हुआ है जो क्या है कि आईआर बेस, जो भी आईआर बेस हम चीज़ें लगाएंगे उसके लिए, जिसके लिए ये इतना सा हमने निकाला हुआ है एंटीना ग्रुप में, इतना सा निकला होगा बस। अब ये रिमोट है, रिमोट को मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। रिमोट में ना टोटल 16 बटन है जिसे 16 लाइट्स आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें दो फैन के सिस्टम आ रहे हैं जिसमें फैन की जगह आप कुछ ऐसी चीज़ें भी ला सकते हो जिसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो। और ये ऑल, आप रूम से बाहर जा रहे हो तो ऑल ऑन और ऑफ का सिस्टम भी दे रहा है। और सीन सेटिंग्स भी आपको दे रखी है। सीन सेटिंग के अंदर क्या होता है कि यदि आपको सीन सेटिंग फर्स्ट दबाया तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आप मॉर्निंग उठे हो तो आपकी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए या फिर फैन कम हो जाना चाहिए, ये सीन सेटिंग्स के अंदर आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे टास्क आप करा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके लाइट्स को बंद करके दिखाऊंगा। अभी मैंने सारी एक साथ लाइट चला रखी है, अब मैं उसको एक एक बंद करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने जिसको कनेक्ट कर रखा है वो है वो लैंप। एक तरफ एक बार लैंप की तरफ दिखाना, ये स्विचेस और सब बंद है, ये स्विचेस पर भी ऑन नहीं है। अभी रिमोट से मैं फर्स्ट बटन दबाऊंगा और वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हिला मत, ठीक है। ये देखो वो ऑफ हो गई, जैसे बटन दबाया ऑफ हो गई और जैसे दबाऊंगा वापस ऑन हो गई। अब इसी प्रकार से मैंने सेकंड को इसको कनेक्ट कर रखा है तो इसके अंदर क्या होगा, उसके सामने लेने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो सामने हो तो मैं दिखाने के हिसाब से सामने जा रहा हूँ। बाकी रेंज इसकी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि कोई दीवार वीवार नहीं आएगी तो 20 फीट तक ये आराम से रेंज कवर कर सकता है, या 20 फीट से भी ऊपर जा सकता है इसकी रेंज। अब आपको सेकेंड वाला बंद करके और चालू करके दिखाता हूँ। ये बंद हो गया, रिमोट से और रिमोट से चालू हो गया। और ये बड़ी लाइट है, इस बड़ी लाइट को मैं ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। ये बड़ी लाइट को ऑफ हो गई और ये वापस ऑन हो गई, ये इजीली। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वाला फैन। फैन में क्या है, इसमें ना हमने जो रिले मॉड्यूल दे रखा है इसमें इन बिल्ट हमने ना स्पीडोमीटर लगा रखा है। यदि मान लो आपको घर का स्पीडोमीटर ख़राब ही रहता है तो भी आप इसका अंदर जो लगा हुआ स्पीडोमीटर वो काम ले सकते हो। आप इसको फैन ऑन करके दिखाता हूँ, अभी ये सब कुछ बंद है तो अभी आपको फैन ऑन कर दिया, या फैन ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया है। अब इसकी स्पीड आपको कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ मैं, तो देखिए इसकी स्पीड फुल है अभी, मतलब स्पीड फुल है। अब स्पीड कम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखो इसमें ना आपको चार ऑप्शन मिलते हैं स्पीड के। अब आपको मेन इसके अंदर रिमोट कंट्रोल के अंदर बहुत कुछ है, बहुत सीन सेटिंग्स है, ऑल ऑन ऑल ऑफ है, और इसके इसको है ना आपको किस तरीके से एप्लीकेशन चलाते हैं वो चीज़, सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा वीडियो के साथ में। और आपको देखनी है तो आप हमारे पिछली वीडियो भी देख सकते हो, और हम आने वाली वीडियो में हम सर आपको पूरी डिटेल्स समझाएंगे। अभी तो हमारे आपको लंबी वीडियो नहीं हो जाए इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आपको इतना ही बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं आईआर बूस्टर के बारे में। चलते